नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। विवादित और बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी लगातार पिछले वर्ग की रैलियां कर बीजेपी और सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अब उन्होंने ग्वालियर में बंदूकों के साथ अपने समर्थकों की विशाल रैली करके नई चुनौती दी है। दशहरा मिलन समारोह के नाम पर आयोजित इस दशहरा मिलन समारोह में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ शपथ दिलाई कि वे न अन्याय सहेंगे और न करेंगे। लोधी ने अपने समर्थकों को यह सशस्त्र प्रदर्शन ग्वालियर में किया। उन्होंने अपने गांव जलालपुर के नजदीक स्थित तलवार वाले हनुमान मंदिर के पास स्थित मैदान में किया। उन्होंने पिछला वर्ग के बैनर पर आयोजित इस आयोजन को दशहरा मिलन समारोह का नाम दिया था। इसमें उनके ज्यादातर समर्थक अपनी बंदूक लेकर आए थे, जिन्हें परेड की स्टाइल में कतारबद्ध ढंग से खड़ा किया गया था। इसमें प्रीतम लोधी ने इन्हें शपथ दिलाई थी। प्रीतम लोधी के शक्ति प्रदर्शन के वायरल वीडियो पर जब पत्रकारों ने प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से जवाब जानना चाहा, तो वे सीधे सीधे जवाब देने से बचते नजर आए और उन्होंने कहा कि कानून इस मामले में अपना काम करेगा। वहीं ग्वालियर से प्रीतम लोधी के कार्यक्रम में हथियार लहराने के इस पूरे मामले को ग्वालियर कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए पुलिस महकमे को कार्यक्रम में शस्त्र लेकर मौजूद लोगों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं और कलेक्टर ने कहा है कि जिन लोगों ने हथियार लहराए उन सभी के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, ये कानून अपना काम करेगा। नहीं, लेकिन ये कहां तक सही है, केवल इतना बताओ। कानून काम अपना करेगा। बंदूक लेना ना कहां तक ठीक है मंत्री? कानून लेना ना, क्या आप बात करोगे इस मामले में? कानून अपना काम करेगा। किए जा रहे हैं, हम उस पर आदेश पारित कर देंगे। लेकिन ये कहाँ तक सही है? तालिबानी संस्कृति जिस तरह से दिखाई जा रही है, तो सारे लाइसेंस भी निरस्त कर रहे हैं। कार्रवाई नाम है क्या है, जो भी पुलिस से हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं और जो लोग भी ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी के लाइसेंस निरस्त। एक वीडियो भी सामने आता, बोला था आप जो भी हथियार लहरा रहे हैं उनमें से किसी के लाइसेंस निरस्त नहीं किए जाएंगे, तो वो निरस्त किए जा रहे हैं, लाइसेंस किए जा रहे हैं। यस, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप फॉलो कर सकते हैं।